दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैल चौक मंडी। बल के स्याह चौक पर कारगिल शहीद की गलत प्रतिमा का अनावरण किया गया है। शहीद की पत्नी और भूतपूर्व लीग ने कारगिल शहीद के लगाए गए स्टैचू को हटाने के लिए जिला उपायुक्त अरिंदम चौधरी के माध्यम से राज्यपाल, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया है। भूतपूर्व लीग के जिला महासचिव कैप्टन हेतराम और शहीद की पत्नी ने कहा कि विधायक को 22 साल बाद कारगिल शहीद टेक सिंह की प्रतिमा स्थापित करने की याद तो आई, लेकिन आनंद फानन में शहीद के साथ भद्दा मजाक कर मान सम्मान देने बजाय उनका अपमान कर दिया। उन्होंने कहा कि चौक पर जो स्टैचू स्थापित किया गया है वह गलत है, उन्हें आर्टिलरी की वर्दी पहना दी गई है। उन्होंने कहा कि उनके पति के स्टैचू को चौक से हटाकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में लगाया जाए। जी, मेरा नाम दिलेराम है और मैं शहीद टेक सिंह का बड़ा भाई हूँ और मैं भी आर्मी से रिटायर्ड हूँ। और जो स्टैचू लगा हुआ है वहाँ पे, उनकी जो आकृति और जो वर्दी है वो उनसे मेल नहीं खाती है स्टैचू से। और वो लगा भी ऐसी जगह है जहाँ पर इतने सारे ऑब्स्टिकल हैं कि वो हटाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उनको हटाया जाए। और जगह भी बहुत ख़राब है वो जगह, इसलिए सार्वजनिक प्लेस जो है कहीं दूसरी जगह उसको स्थापित किया जाए। मैं कैप्टन हेतराम शर्मा, जिला एक्सिस मैन लीग जिला मंडी का महासचिव हूँ। सब आज मैं इसलिए आपके सामने आ रहा हूँ राकेश में, कि हमारे एक शहीद सिपाही टेक सिंह जो बल तहसील स्याह से बिलोंग करता है, और उनका जो स्टैचू है वो स्थानीय विधायक इंदर सिंह गांधी द्वारा लगाया गया है। और इनके धर्मपत्नी जो है बीना देवी, ये भी हमारे साथ ही यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो हमने इनके परिवार की तरफ से इसका विरोध हुआ था और इन्होंने कहा था कि जो स्टैचू बनाया गया है कि इसकी ना तो उनका चेहरा मिलता है, ना ही तो उनकी रेजिमेंट की उनके साथ पहचान है, जबकि ये 7 डोगरा से बिलोंग करते हैं। और इसके ऊपर जो कैप पहनाई गई है वो आरटी की है, और लाइन यार्ड है वो किसी दूसरे ग्रुप की है, ना ही तो उनकी नेम प्लेट है, ना ही तो उनकी और दूसरी आइडेंटिफिकेशन है। और उनकी जो बेस स्टैचू के ऊपर जो नीचे बेस बनाया गया जाके उसमें, उसके ऊपर ना कोई प्लास्टरिंग है और ना ही तो टाइलिंग है, ना ही तो मार्बल किया गया है। हमने बींग ए एक्सिसमैन बल की ओर से हमने एक एसडीएम के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया था, उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिर 11 तारीख को यहाँ पर हमने जिला उपायुक्त महोदय के माध्यम से सीएम साहब के लिए दूसरा ज्ञापन दिया था, उसके ऊपर भी जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और तीसरा ज्ञापन आज हम माननीय प्रदेश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री महोदय जी को आज यहाँ पर जिला उपायुक्त के माध्यम से हम भेज रहे हैं जाके इसमें। हमें उम्मीद है कि ये हमारी पुकार और इस जो हमारे साथ अन्याय हुआ है जाके इसमें, परिवार के साथ अन्याय हुआ है, इसको जरूर सुनेंगे और इसके ऊपर गौर करेंगे। ये हमारे शहीद परिवार के लिए और एक सैनिकों के लिए और एक शहीद के लिए जो है वो बहुत ही अपमानजनक वाली बात है, और इसको हम लोग सहन नहीं करेंगे। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट। अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैल चौक मंडी, ओनली यूनिवर्सिटी प्रमोटेड एंड मैनेज्ड बाय हिमाचली पर्संस, एंड टू गेट यूजीसी अप्रूवल इन फर्स्ट इंस्टेंस, 7 इयर्स ऑफ फाइनेस्ट एग्जिस्टेंस, एक्सीलेंट फैसिलिटी, मॉडर्न लैब्स, फाइनेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट विद कंड्यूसिव एम्बियंस फॉर एजुकेशन। कोर्सेज ऑफर्ड: बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बी फार्मेसी, बी टेक, डिप्लोमा फार्मेसी इन एलोपैथी एंड आयुर्वेदा, डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट, बीएससी एमएलटी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएएमएस, बीपीटी, एमएससी इन एग्रीकल्चर एंड जूलॉजी, एमए इन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स, एमटेक, एम फार्मेसी, पीएचडी। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स।